तो एक्सेस में हम लास्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो माइक्रोज कर रहे हैं। अरे बने बनाए माइक्रोज कैसे रन होंगे ये हम आपको साथ बताएंगे, एक कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे ताकि कुछ और हो, इस चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने बनाए माइक्रोज कैसे हम करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली माइक्रोज जो बनता है उसको हम फॉर्म ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बल्कि उसको हम फॉर्म पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा है, मुझे इसी फॉर्म पे माइक्रो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले माइक्रो रन करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डिजाइन में आता हूं, एक और फॉर्म बना लेता हूं। जैसे कि ऑल डेटा है दिख रहा है आपको, तो हम एक और फॉर्म यहां बनाते हैं, क्रिएट में जाके फॉर्म, ठीक है। तो हमने यहां पे फॉर्म बना दिया सर ऑल डेटा का, और यहां इसको क्लोज करके हम सेव करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि फॉर्म वन से मेरा ऑल डेटा वाला जो माय फॉर्म है वो ओपन। तो डिजाइन व्यू में हम जाते हैं, और पहले तो ये जो पहले से जो चीजें डली हुई है इसको यहां से रिमूव करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम ऐसे तो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम बटन जब यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करते समय हमसे मिसलेनियस में पूछा जाता है। तो मिसलेनियस में, यहाँ पे मिसलेनियस में जो एप्लीकेशंस में क्वेरी है, रिपोर्ट्स है, फॉर्म ऑपरेशंस में, आप ओपन फॉर्म पे जाके पर्टिकुलर फॉर्म सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो हम इसके बारे में तो बात करते हैं, हम माइक्रोस क्यों यूज करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में यहाँ माइक्रोज है, इस माइक्रोज पर हम क्लिक करते हैं। अब यहां से आपको अपना इवेंट सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैं नीचे आ रहा हूं, और नीचे यहाँ पे आ रहा है ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म किया, ओपन फॉर्म करने के बाद हेलो यहाँ पे अब फॉर्म का नेम पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म का नेम ओपन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके अपने फॉर्म नेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ऑल डेटा ओपन करना है, व्यू फॉर्म व्यू में करना है, या फिर डिजाइन व्यू, प्रिंट व्यू, डेटा शीट, किस व्यू में आपको फॉर्म को देखना चाहते हैं। मैंने बोला फॉर्म व्यू में। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर नेम, मैं कोई फिल्टर का नेम वगैरह है फिलहाल तो छोड़ दिया। कंडीशंस, अगर कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं क्या, क्या यार यहाँ लगना पे हम शो करते हैं डेटा मोड क्या है, एडिट है या रीड ओनली है, कि अब भाई डेटा को देख सकता है, सिर्फ रीड ओनली ही होगा। उसके अलावा मोड नॉर्मल होगा, या फिर हिडन होगा, आइकन होगा, या डायलॉग में होगा। अब इस पे ये बात आते हैं, फिलहाल इसको हम सिर्फ क्लोज कर देते हैं माइक्रो वन को। माइक्रो वन का नाम हम यहाँ पे MM1 करके, MM_1 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है अब मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ बटन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें फॉर्मेट में जाता हूँ, डिजाइन में, सॉरी फॉर्म डिजाइन में, और यहां से एक बटन लेता हूँ, बटन को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। ड्रैग किया, ड्रैग करते ही मिसलेनियस में जाना है, और रन माइक्रो नेक्स्ट, और माइक्रो को सेलेक्ट करना है, और यहाँ टेक्स्ट मतलब कि आपको आइकन चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं ओपन ऑल डेटा, ओपन ऑल डेटा, और फिर नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया, और इसको हम यहां से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्म वन पे डबल क्लिक करके करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये देखिए ऑल डेटा का फॉर्म ओपन आ गया। अब इसमें जो आया है हम सिर्फ देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते, देखिए कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने रीड ओनली सिलेक्ट किया था। तो ये चीजें डायरेक्ट माइक्रो जो रन करेंगे उसमें नहीं ना है। अब चलिए इसमें और भी डिजाइन चेंज करते हैं, डिजाइन में आते हैं। अब इसमें जैसे कि यहाँ आपका व्यू नॉर्मल है, नॉर्मल व्यू को लेके मैं इसको डायलॉग कर देता हूँ, डायलॉग कर दिया, देन इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे बटन पे क्लिक करेंगे जो रन होगा इस तरह के लाइन बॉक्स में रन होगा, ओके। तो कैसे ये डायलॉग बॉक्स में रन हुआ। इसी तरह से इसमें और भी जो डिजाइन मोड में आता हूँ, और भी जो यहाँ पे थे इसी तरह के और भी चीजें थे, आप अपना सेट कर सकते थे। आईफोन उसके बाद यहाँ पे फिल्टर नेम, तो ये चीज डेटा वगैरह पे यूज होता है, किसी डेटा को आप वो टेबल को ओपन करवाते हैं ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। हाँ
कंडीशंस लगा सकते हो कि क्या कंडीशन होना चाहिए, तो क्यूरी की जगह पे डायरेक्ट मैक्रो ही यूज कर सकते हो। तो चलिए एक और क्रिएट मैक्रो करते हैं, यहां पे हम क्रिएट मैक्रोज। अब इसमें अब जो है यहां पे ओपन ही आया ना, हाँ ओपन, अब ओपन टेबल आ रहा है, ठीक है। अब कोई टेबल को मुझे ओपन करना है तो ओपन टेबल पे क्लिक किया, अब पूछ रहा है टेबल नेम, तो यहां से मैंने इसको कस्टमर को सिलेक्ट कर, सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। और व्यू कैसा चाहिए, डेटा सेट में चाहिए, डिजाइन में चाहिए, प्रिंट व्यू चाहिए या प्योर चार्ट चाहिए, तो मैंने प्योर चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। और क्या मोड एडिट चाहिए, रीड ओनली, हमने बोला कि रीड ओनली में होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने सेव किया mm_2 एंड ओके। अब इसको जरूरी नहीं किसी माइक्रो के थ्रू ही रन कर जाए, हम यहां अभी डबल क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। रन कर दिया, आ गया। तो अब जो माइक्रो बनाएंगे तो माइक्रो की जरूरत नहीं है कि आप किसी डेटा शीट के जरिए रन करें, आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, ओके। तो इसी में इसी तरह से बीप बीप आएगा, ब्राउज टू कुछ ओपन करना चाहते हो जाएगा, क्लोज डेटाबेस, डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं, क्लोज विंडो, विंडो क्लोज कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वेरी रन करना चाहते हैं, चाहते बटन पे क्लिक करते कोई क्वेरी रन हो तो यहाँ से आप क्वेरी भी रन करवा सकते हैं, ओपन फॉर्म, ओपन रिपोर्ट, रिपोर्ट्स को ओपन करवा सकते हैं, प्रिंट अपने प्रिंट कर दे सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू होना चाहिए तो प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाएगा आपका, ठीक है। सेव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सेव कर, इसको एक बार आपके हिसाब से देखिएगा, आपको जो अप्लाई करके जो आपको अच्छा लगा कीजिएगा। लेकिन इसी में आपका इफ कमांड आता है, कमांड कमांड लगाना। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा ऑल डेटा कब ओपन हो, जब यहां एक टेक्स्ट बॉक्स हो उस पर कुछ टाइप हो, मतलब कि एक कंडीशन देना चाहता हूं, उस हिसाब से रन हो। तो मैंने यहां डिजाइन पे आता हूं इसकी, और मैं यहां एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मान लीजिए मैं यहां पर TX कर देता हूं, ठीक है, TX नाम इसे कर देता ताकि वहां दिक्कत नहीं होगा समझने में, मेरा नाम करना जरूरी नहीं है, अब मैं यहां MM1 था ना जो ओपन कर रहा था, उसी को डिजाइन में उसी को चेंज करता हूं। चेंज करने से पहले इसको यहां से पहले क्लोज कर देता हूं, और फिर यहां देता हूं इफ कंडीशन, इफ। अब यहाँ पे कंडीशंस और आपने जो देना चाहते हो क्या करना चाहते हो होता है, तो यहाँ पे आपने दिया कि फॉर्म, फॉर्म्स, फॉर्म्स, और फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन मार्क, और जो बड़ी ब्रैकेट में आप अपने फॉर्म का नेम, जैसे Form 1 हुआ, बड़ी ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, बड़ी ब्रैकेट में आप क्या करें, अपना जो फील्ड था उस फील्ड नेम को दे, और फिर यहां पे कंडीशंस इज ग्रेटर देन 50। तो अगर फॉर्म्स के अंदर Form 1 पे TX पे 50 से ज्यादा डाला हुआ है तब क्या करें, तब यहां पे आप अपने क्या दे सकते हैं, अगर अनदर कंडीशन है तो अनदर कंडीशन, अदरवाइज अपना कमांड ओपन फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म ओपन करना है वो हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ऑल डेटा को ओपन करना है, व्यू फॉर्म में, डिजाइन है, डेटा शीट है या पिवट टेबल है, जो करना चाहो कर सकते हैं आप। और यहां पे फिल्टर नेम वगैरह की जरूरत नहीं है, कंडीशंस, हालांकि फिल्टर नेम एक बार ट्राई करते हैं, हमने ट्राई तो किया नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं, एक मिनट फॉर्म हटा देता हूं, और इसकी क्वेरी, हाँ में क्वांटिटी, क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 करता हूं चाहिए, तो फिल्टर नेम यहां पे देता हूं क्वांटिटी, वेयर हमने यहां दिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, और डेटा मोड आपका क्या होना चाहिए, मैंने बोला रीड ओनली, और व्यू नॉर्मल है, सिंपल सा हमने किया। और कंडीशन ऐड करना चाहते हो और, तो यहाँ पे और ऐड कर सकते, फिलहाल इतना ही मुझे ऐड करना है, और इसको मैंने यहाँ पे यस करके सेव कर दिया, और बटन को भी यहां से हम
क्लोज कर देते हैं। तो अब यहां पे हम ओपन फॉर्म पे आते हैं और मैं ऐसे क्लिक करूं तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना सर? क्योंकि इसमें हमने कुछ डाला नहीं, इसमें मान लीजिए मैंने 60 डाला, देन ओपन व्यू, देखिए यहां पे ओपन हो गया, ओपन हो गया। और यहां देखिए क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 65 था वही शो हुआ है, दूसरा शो नहीं हुआ है, 50 था उसी शो रहा है। देखिए यहां पे आप वो देख पा रहे हैं सर, वैसे क्वांटिटी शो ही नहीं हो रहा है जिसका 50 से नीचे है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारे क्वांटिटी जो है वो 50 से ऊपर वाले हैं, यहाँ पे देखिए 43 भी है, 36 भी है, दिख रहा है सर? लेकिन हमने फिल्टर की कंडीशन जो दे दी इसमें फिल्टर लग गया। अब मुझे अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एक करके दिख रहा है, मुझे डेटा की तरह दिखना चाहिए था क्या? तो आपको क्या करना चाहिए था, अब इसकी डिजाइन पे जाते हैं, नहीं इस पे डिजाइन पे जाते हैं, और डिजाइन पे हम क्या कर रहे हैं, जो व्यू था ना नॉर्मल व्यू था उसको, नहीं नॉर्मल व्यू तो सही है, ये डेटा मॉडल जो था इस फॉर्म व्यू, हाँ यहाँ व्यू पे चेंज करेंगे, माफ कीजिएगा, व्यू जो था उसको डिजाइन की जगह पे डेटा शीट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे यस कर देते हैं। अब मैं फॉर्म वन पे आता हूं और यहां से रन करता हूं। अब देखिए पूरा डेटा शीट आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में फिल्टर ऑटोमेटिक लग चुका है, समझ गए सर? गोयल जी? हाँ सर समझ गया सर। तो आप जो है ये सारे जो कंडीशंस दिए गए हैं इसकी वन बाय वन प्रैक्टिस कर लें, इसमें जो दिए गए ना मोर एक्शंस। डेट वगैरह कैसे फिल्टर करेंगे सर? क्या उसमें डेट वगैरह फिल्टर करना रहेगा? हाँ, तो डेट वगैरह फिल्टर करना रहेगा तो सिंपल होगा, यहां से आप एक मिनट टू ही है इसमें माइक्रो वन, जैसे कि आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इसे फिल्टर आप उसे फिल्टर करना है, कंडीशन लगाना है आपको जी, फिल्टर सर्च फिल्टर सब रहता है ना यहाँ पे, सेट फिल्टर दिख रहा है आपको, सेट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फिल्टर नेम दे सकते हैं, वेयर कंडीशंस कंट्रोल नेम दे सकते हैं, समझे सर? फिल्टर का समझे हेडिंग जो टाइटल रहे, जो एम्प्लॉय कोड है, तो खाली नाम एम्प्लॉय कोड डाल दो, बस 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 वही डालने का ना, कंडीशन को इतना से इतना तक सर्च होएगा। एक बार इसको ट्राई कीजिए, एक बार दिक्कत होगी तो हम बात कर लेंगे अगली क्लास में। अच्छा ठीक है।